गूगल का एंड्रॉइड 15 का अपडेट शायद आपके फोन तक अभी तक पहुंचा भी नहीं होगा, लेकिन एंड्रॉइड 16 ऑलरेडी मार्केट में आ गया है। यानी कि एंड्रॉइड 16 का जो डेवलपर प्रीव्यू है वो गूगल ने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस कर दिया, और उसके कुछ फीचर्स है जिसको आप आज के समय में भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए पिक्सल फोन आपके पास होना जरूरी है, लेकिन क्या हो कि गूगल वाले एंड्रॉइड का अपडेट अगर आपके फोन तक जल्दी जल्दी पहुंचाने लगे तो वेल शायद यही एक फिलोसफी हो सकती है। देखो अभी क्या होता था इससे पहले कि एंड्रॉइड के अंदर आपको एक अपडेट आने में काफी ज्यादा टाइम लगता था। मतलब गूगल करता था पहले अपना डेवलपर प्रीव्यू निकालता था, फिर उसके अंदर बीटा वर्जन्स आते थे, फिर उसके अंदर आपको एक स्टेबल रिलीज देखने को मिलता था जो सिर्फ पिक्सल फोन तक जाता था, फिर धीरे धीरे कंपनीज अपने खुद का स्किन डेवलप करती थी और उसके बाद अपडेट आता था आपके फोन में, और ये सारी प्रोसेस होने में एक साल का इंतजार लग जाता था। मान लीजिए 2023 में गूगल ने अपना एंड्रॉइड 14 निकाला तो एंड्रॉइड 14 का अपडेट आपके फोन तक आने में यहाँ पे 2024 हो जाएगा, और 2024 में ऑलरेडी एंड्रॉइड 15 की बातें हो रही होंगी, और जब एंड्रॉइड 15 की बातें हो रही तो अगले साल तक एंड्रॉइड 16 आ चुका होगा यहाँ पे। तो यार ये गैप बहुत ज्यादा हो रहा था कि गूगल यहाँ पे एक एंड्रॉइड वर्जन निकालती थी और एक मोबाइल फोन तक पहुंचता था लास्ट में, और नए मोबाइल फोन में भी अपडेट बहुत लेट आते थे। तो गूगल ने इस बार ये डिसाइड किया कि इस बार हम सारी चीजें पहले कर देते हैं, डेवलपर प्रीव्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, बीटा वर्जन कुछ ही महीनों में आ जाएगा, और स्टेबल रिलीज गूगल पिक्सल फोन में आ जाएगी जून के महीने में, और उसके बाद ये कंपनीज के हाथ में रहेगा कि कंपनी जल्दी से जल्दी एंड्रॉइड वर्जन तैयार करे, अपडेट तैयार कर और अपने फोन के अंदर डाले, और नए फोन में भी जल्दी से जल्दी अपडेट डाले। ये एक ऐसी चीज है जो इससे पहले कभी गूगल ने ट्राई नहीं करी थी। गूगल बहुत सारी चीजें कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे गूगल ने अब ये कोशिश कर रहा है कि एंड्रॉइड के अंदर जो नया वर्जन नया अपडेट आएगा वो आपको टाइम पर देखने को मिले और जल्दी यहाँ पर देखने को मिले। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कंपनीज के ऊपर भी पड़ेगा, कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने वाला है क्योंकि वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है आपको अपडेट देने में। गूगल ने तो चलो एंड्रॉइड यहाँ पे रिलीज कर दिया, लेकिन ये अपडेट कंपनीज के पास जाते हैं, कंपनी से अपने आपसे कस्टमाइज करते, अपने फीचर डालते, अपनी स्किन डालती है, फिर वन यूआई आता है, हाइपर ओएस आपको देखने को मिलता है, ऑक्सीजन ओएस है, कलर ओएस है, रियलमी यूआई है, हर कोई अपना अपना स्किन यहाँ पे डिजाइन करता है और अपने मोबाइल फोन में डालता है, और उसके बाद कंपनीज के ऊपर प्रेशर आएगा कि कंपनीज जल्दी से जल्दी अपडेट भी डिलीवर करे, प्लस यहाँ पे जो नए फोन लॉन्च कर रहे हैं वो नए एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर करे। और इसे देखा तो ओवरऑल एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलेगा गूगल को। गूगल अभी तक क्या कर रहा था कि एंड्रॉइड के लेट होने से इसका फायदा कई बार एप्पल उठा लेता था, एप्पल अपने नए फीचर को जल्दी से जल्दी आईओ फोन के अंदर पुश कर देता था और एंड्रॉइड में वो चीज आने में डिले हो जाता था। ये वाली चीज गूगल को बहुत सालों से खटक रही थी और इसलिए भी जो टर्न अराउंड टाइम होता है कम यहाँ पे करना चाहती। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या गूगल ने क्या वाकई में इतनी जल्दी एंड्रॉइड 15 के बाद 16 को यहाँ पे बना लिया? वेल सच बात की जाए तो एंड्रॉइड 16 के अंदर इतने मेजर चेंजेस आई नहीं है, और डेवलपर प्रीव्यू के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे फीचर चेंजेस से ज्यादा इंटरनल एपीआई के चेंजेस होते हैं जो डेवलपर्स के लिए बनाए जाते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप करते हैं। यानी कि जो डेवलपर होते हैं वो नए एंड्रॉइड वर्जन नए एपीआई के साथ उसे टेस्ट कर सके ताकि जब नया एंड्रॉइड में वर्जन है और जो उनकी एप्स हो वो ऑलरेडी कंपैटिबल हो। ये चीज भी ऊपर अभी से यहाँ पे काम होने लगा है ताकि ऐप की कोई कंपैटिबिलिटी वगैरह के अंदर दिक्कत नहीं हो। और जब मैं यहाँ पे एंड्रॉइड 16 को देखता हूँ तो ऐसे कोई बड़े या मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं जो ऑलरेडी एंड्रॉइड के यहाँ पर पार्ट ना हो, और माइनर रिफाइनमेंट और माइनर इंप्रूवमेंट ही चल रहा है एंड्रॉइड के अंदर, जिस कारण से एंड्रॉइड 15.1 भी अगर गूगल निकाल के और उसे एंड्रॉइड 16 बोल दे तो भी लोग यहाँ पे उसे बिलीव कर देंगे। और एग्जैक्टली में यही हो रहा है, एंड्रॉइड 13 के बाद से ज्यादा मेजर चेंजेस ना एंड्रॉइड 14 में ना 15 में, और जो एंड्रॉइड 16 आ रहा है यहाँ पर भी कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा रिफाइंड और काफी ज्यादा बड़ा लीप यहाँ पे गूगल ले चुका है एंड्रॉइड के टर्म्स में यहाँ पे। इसके साथ ही ओवरऑल बात की जाए तो एंड्रॉइड का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है और गूगल इसको काफी अच्छे तरीके से सिक्योर रखना चाहता है, जिस कारण से मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लिमिट लगा रखी है कि मिनिमम इतने एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट देने हैं, मिनिमम इतने सिक्योरिटी पैचेस देने हैं ताकि एक अच्छा स्टेबल एक्सपीरियंस के साथ साथ सिक्योर एक्सपीरियंस भी दिया जा सके, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर मालवेयर वाली प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे बढ़ी हैं। लेकिन अगर हम वहीं वापस अपने सवाल पे क्यों गूगल जो है वो आखिर एंड्रॉइड को इतना ज्यादा जल्दी रश कर रहा है, वेल ये जो रश जो दिख रहा है ना ये वन टाइम का है, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा एक टाइम आना था जहाँ गूगल को एक एंड्रॉइड वर्जन दूसरे एंड्रॉइड वर्जन के बीच में डिले यहाँ पे रखना था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नवंबर के महीने में डेवलपर प्रीव्यू निकाल दिया, फिर बीटा आ जाएगा और जून में स्टेबल रिलीज आ जाएगा, उसके बाद जून में एक बार स्टेबल रिलीज आ गया तो अगले साल के अक्टूबर नवंबर तक ये लोग एंड्रॉइड 17 का डेवलपर प्रीव्यू भी निकाल देंगे, जिस कारण से नए एंड्रॉइड वर्जन आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो मोटा मोटा कोई ऐसा कोई खास फीचर नहीं है जिसके लिए इसके ऊपर यहाँ पे रखा जाए, और कई सारी जो कंपनीज होती है अपने खुद के फीचर्स यहाँ पे आज के समय में डेवलप करती है जिसे वो अपनी स्किन और अपने यूआई के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर वन ऑफ द मेजर इंटीग्रेशन है
वो है AI का, जो जेमिनी AI का देखा है, जेमिनी नैनो का इंटीग्रेशन है। हालांकि ये चीज मोबाइल फोन के हार्डवेयर पे डिपेंड करेगी, इसलिए कंपनीज के हाथ में कि इसको वो अपने हिसाब से किस तरीके से डेवलप करती है। ऊपर से बात करें तो गूगल के पिक्सल फोन के अंदर भी जो पिक्सल का जो UI होता है, ये कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड हम इसे नहीं कह सकते, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड नाम की चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती भी नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड की जगह हर एक कंपनी इवन गूगल पिक्सल में भी अपना खुद का स्किन और UI डेवलप करते हैं, जिसके अंदर कुछ अपने एक्सक्लूसिव और यूनिक फीचर्स को डालते हैं, जिनका एक्सेस ये लोग कंपनीज को बाद में चल के आगे देते हैं, लेकिन पहले ऑब्वियसली पिक्सल फोन्स में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि गूगल पिक्सल के अंदर ही फीचर है तो वहां तक एक्सक्लूसिव है, कई बार दूसरी कंपनीज वहां से फीचर्स को देखती है, अगर अच्छा होता है तो उसे वहां पे अपने UI के अंदर कॉपी करती है। जैसे कि ऑब्वियसली आपको पता है मैजिक इरेजर काफी एक अच्छा फीचर था, लेकिन अब ये सैमसंग में भी आता है, शाओमी के हाइपरओएस में भी देखने को मिलता है, इस तरीके की चीजें। और इसी के साथ ही मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करी है, iOS और एंड्रॉइड के बीच की जो दीवार होती है ना, वो यार धीरे धीरे काफी ज्यादा कम होती जा रही है। यानी कि पहले एंड्रॉइड के अंदर फीचर बहुत ज्यादा आते थे, फिर वो फीचर आईफोन कॉपी कर लेता था, आईफोन में कोई नई चीज आती है तो एंड्रॉइड के अंदर कोई स्किन आती है वो चीज कॉपी कर लेती है, और ये दीवार बहुत ज्यादा कम होती हुई जा रही है। और देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी वर्जन्स अगर निकल रहे एंड्रॉइड के और iOS के, तो यार धीरे धीरे जो दीवार होगी काफी ज्यादा कम होती चली जाएगी। और अब प्रेशर गूगल के पास भी है और एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी है कि यहां पे अब वो क्या नया कर सकते कि लोगों को दिखा सके कि ये नई चीज है और इसके दम पे अपना फोन यहां पे भेजे। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है, लेकिन हाँ फिलहाल गूगल देखा जाए तो काफी ज्यादा रश कर रहा है अपने नए एंड्रॉइड वर्जन के लिए। वन टाइम चीज है, अगले साल से सारी चीजें नॉर्मल होने वाली है, बैक ऑन ट्रैक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल गया होगा, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो और आप लोगों के फोन में अभी कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन चल रहा है, ये बात जरूर से नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।